गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 6 का पाठ नंबर 7। पाठ का नाम था बूझो तो जाने। इसमें हमने है वो 7 पहेलियां सीखी थी। पहेलियां है वो सबको अच्छी लगती है और पहेलियों से हमारे विचार करने की शक्ति भी बढ़ती है और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। सबसे पहले है वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले है उधर आ मत जा, लेके यहाँ पे आया आम। फिर है अंदर आ लू लग जाएगी, तो आया आ लू। फिर है जय पाल कल आया था, यानी पाल ख। फिर है संत राम आ गया, तो क्या हुआ संतरा। फिर है शैलजा मुन मुन से मिली, शैलजा यानी जामुन। फिर है फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, यानी मट र। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये सब नाम ढूंढे जो सब्जियों के और फल के है। आगे का प्रश्न है चित्र पहेलिया ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, तो सबसे पहले है यहाँ पे हाथी है, फिर कछुआ है, यहाँ पे बैल है, फिर यहाँ पे है वो मगर है, फिर यहाँ मोर है, फिर है बकरी। बकरी कहाँ पे है देखिए, चलो बताओ बकरी यहाँ पे है। फिर है कुत्ता, तो कुत्ता यहाँ पे है। आगे है तोता, फिर है बत्तख। तो ये सब है प्राणी पक्षी यहाँ पे चित्रित है। आगे का प्रश्न है इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है पर्वत, तो पर्वत का हिमालय ऊंचा पर्वत है। फिर है पेड़, तो हमें है वो पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, या हमें है वो पेड़ को पानी पिलाना चाहिए। दूसरा है नदी, तो नदी है वो हमारी जीवन डोरी है। आगे है आम, तो मुझे आम खाना पसंद है। फिर है हाथ, तो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ। आगे है मकान, तो मेरा मकान बहुत बड़ा है। फिर है खिलौना, मेरे पास कई खिलौने हैं। बच्चों ये वाक्य मैंने बनाए हैं, आप भी अपने आप अलग वाक्य बना सकते हैं। फिर आगे है आठ, आठ अंतर बतलाओ जल्दी, दिखाओ अपनी अक्लमंदी। तो बच्चों यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, इसमें आठ है वो अंतर दिखाए गए हैं। वैसे तो चित्र बराबर लगते हैं, पर इसमें से हमें आठ अंतर है वो ढूंढने हैं। तो सबसे पहले ये अंतर यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ज्यादा जगह है, यहाँ पर जगह नहीं है। फिर है दो नंबर का, यहाँ पे ये दोनों अलग है शाखा है, यहाँ पे दोनों जुड़ी हुई है। फिर एक ये है, इसकी टाई अलग है और इसकी टाई भी अलग है। फिर यहाँ पर है, यहाँ पे है वो एक दो और थोड़ी जगह है, यहाँ पर जगह इतनी नहीं है। फिर है ये, यहाँ पे दो चौरस है, यहाँ पे एक चौरस है। फिर यहाँ पे पत्थर पड़े है, यहाँ पे पत्थर नहीं पड़े। फिर यहाँ पे घास ज्यादा है, यहाँ पे घास कम है। फिर अंडे है या अलग अलग है, यहाँ पर एक साथ है। तो बच्चों इतनी से है वो इस दोनों चित्रों में अलग है। आगे है पढ़कर कोष्टक में से मैं उचित शब्द लिखिए। जैसे किसी को जाने के लिए कहना यानी जा। फिर है जीवन प्राण यानी जान। फिर है राजा जनक की पुत्री यानी जान की। फिर आगे है प्राणी पशु जीवधारी यानी जान व र। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। सार्थक यानी जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक कहते हैं। जैसे मधु, मधु यानी हम जो मध है वो। फिर है बादल, फिर है धूल, आगे है मामा, फिर है दो, यहाँ पर है नदी, फिर है सार, फिर है तीर्थ,
तो बच्चों यहाँ पर है वर्ग पहेली भरिए, शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक पहेली हम है वो न्यूज़पेपर में भी ऐसी पहेलियां देखते हैं, जैसे आड़ी उभी चाली हम गुजराती में कहते हैं तो वो हमें भरनी है। जैसे पहला है नए जमाने का यानी आजकल का यानी आधुनिक, फिर है लड़का बच्चा यानी बाल क, फिर है रात निशा यानी रज नी, आगे है सास प्राण जीवन शक्ति यानी द म, फिर आगे है हिंदी साहित्य का एक काल, तो हिंदी साहित्य का एक काल था रीति का ल, फिर है सिर बाण तालाब तो यह होगा से र, फिर है गाने के साथ बजाए जाने वाला बार तो क्या होगा सा ज, फिर है अभिप्राय या वात्सा 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 यानी म त ल ब, आगे है होठ ओष्ठ यानी ल ब, फिर है तह यानी और स्तर यानी पर त, फिर है खाद्य सामग्री या अनाज तो आएगा र स द, वो भी एक खाद्य सामग्री है, फिर है यश की कथा यानी यशो गा न, अभी है वो उभी चावी है, उभी चावी में उल्लास खुशी हर्ष तो क्या होगा बा नी आनंद सॉरी हर्ष उल्लास खुशी को हम कहेंगे आनंद, फिर है हाथ हाथ का होगा क र, फिर है वचन संस्थापक यानी बा नी, आगे है परमेश्वर परमेश्वर को हम कर तार भी बोल सकते हैं, फिर है अपमान बेइज्जती तो इसका होगा जलालत, जलालत यानी अपमान या बेइज्जती, फिर है रोगी या बीमार तो उसका जवाब होगा मरी ज, आगे है आलसी या निकम्मा तो उसका जवाब होगा काम चोर, जो आलसी और निकम्मा होते हैं हम उसे काम चोर कहते हैं, फिर है बलवान ताकतवर तो उसका होगा सही ब ल, फिर आगे है प्रत्यक्ष भेंट या मुलाकात तो कहेंगे साक्षात्कार, साक्षात्कार हम जिसको प्रत्यक्ष मिलते हैं उसे साक्षात्कार होते हैं, जिसे हमने हम कहते हैं भगवान ने हमें साक्षात दर्शन दिए तो भगवान स्वयं आएंगे तो साक्षात होगा और उसका साक्षात्कार कहेंगे अगर हम उससे मिले तो, फिर है शरीर देह यानी तीन अक्षर का होगा ब द न, फिर आगे है ओहदा दर्जा या पाव तो उसका जवाब होगा प द, फिर है निश्चय या निर्णित तो यहाँ पर जवाब होगा त य। तो बच्चों यहाँ पर हमने आड़े और सीधे सभी प्रश्नों के उत्तर देखे, अगले वीडियो में है हम इसके आगे का स्वाध्याय सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।